ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के मैंबरों ने खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की रिहायश के बाहर प्रदर्शन किया और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान कांग्रेस के उप प्रधान सुरिंदर सोलंकी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने किसानों की समस्यावां लैके सुती हुई सरकार को जगाने के यतन तहत केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री की रिहायश का घेरा किया। उन्होंने कहा कि तिना कानूनों पास किए जाने समय तो ही किसान कांग्रेस किसानों के नाल खड़ी है और उन्होंने मुद्दों का समर्थन कर रही है। सोलंकी ने कहा कि किसान अंत तक लड़नगे और सरकार ने उन्होंने मंगा मननी ही पैन गया। लेकिन किसान कांग्रेस का कारण है, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते हम उनके हकों अधिकार और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और हमारे नेता राहुल जी ने लगातार किसानों की आवाज़ को उठाया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर देश के अन्नदाताओं की आवाज़ को मजबूती प्रदान करने का काम किसान कांग्रेस का। हम लोग जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक शांति से बैठने वाले नहीं है और देश के अन्नदाताओं के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए खड़े हैं। 90 दिनों से 3 महीने से ज्यादा हो चुका है कड़ाके की ठंड में, जब इनके मंत्री घर से नहीं निकलते, देश का अन्नदाता सीमाओं पर बैठा है। शर्म मानी चाहिए नरेंद्र मोदी को, शर्म मानी चाहिए भाजपा की सरकार को और दूर मरना चाहिए ऐसे कृषि मंत्री को। लानत है जो देश का कृषि मंत्री बैठ कर देश के किसानों के बारे में नहीं सोचता। कांग्रेस आज प्रदर्शन यहाँ कर रही है, वो किसानों के समर्थन में जो 3 महीनों से कड़ाके की बहुत जबरदस्त एक सर्दी में वहाँ बैठे हैं और ऐसा ही उनके लिए आने वाले दिनों में अब गर्मी का माहौल होने वाला है। ये सरकार जो एक संवेदनहीन सरकार है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही, उनके हित का सोच नहीं रही, सिर्फ कुछ लोगों के लिए लगी हुई है, उसके विरोध इस प्रदर्शन में किसान कांग्रेस आज लामबंद होकर यहाँ लग रही है। जगह जगह रैलीज हो रही हैं, हमारे सिग्नेचर्स हुए थे 2 करोड़, उस वक्त राहुल गांधी जी वो जाके राष्ट्रपति जी को दे के आए थे, प्रियंका जी गिरफ्तार हुई थी यहाँ, पूरा कांग्रेस इस चीज़ के लिए जोर के साथ समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री का कहना है कि एमएसपी इन्होंने लागू करी है, बहुत दिनों से किसानों ने डिमांड करी है, तो उम्मीद है उपेंद्र वो किसानों से बात किसी बात पे वो कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं, कानून में क्यों नहीं डालने को मान लेते। इससे उनके उनके जो मंशाएँ हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, उसका इसी से एक उस तरह से ये संकेत जाता है।